साहब आप किधर हो? कहाँ हो साहब? कितना संभालेगी मेरे को? मैं तो आज खुद की नसों में गिर गया। आप आराम करो साहब। आओ तो कुछ नहीं बोलेगी। आज सिर्फ मैं बोलेगा। मुझे माफ कर देना को। उस नर्स की बात सुनकर मैं गुस्सा हो गया। तू आवाज देती रही लेकिन मैंने तुझे अनसुना कर दी। गलत था मैं को। मुझे तो उस नर्स पर गुस्सा होना चाहिए था। अरे साहब है मैं तेरा, कैसे भूल गया मैं? ठीक ना को, मैं इतना कमजोर नहीं कि किसी की बात को सुनकर तुझसे दूर चला जाऊं। शर्मिंदा हूं मैं आज अपने किए पर। ना को मुझे माफ कर दो। साहब आप आराम करो, थक गए होंगे। ऐसा आप जाके सबको सब सच बता दो। कहीं सच बता के हम सब कुछ खो ना दे। क्या तुम दत्ता के गुस्से को नहीं जानती? वो गुस्से में आ जाए तो कुछ भी कर सकता है। आज नर्स ने बोला, कल कोई और बोलेगा, साहब उस झूठ को भी सच मान लेंगे। नीकू को थोड़ा ठीक होने दे, फिर हम उसे कहीं दूर भेज देंगे और फिर दत्ता से सब सच कह देंगे। तुमने बताया ना मुझे के? तूने मुझे माफ किया कि नहीं? माफी किस बात की साहब? मुझे तो आपकी चिंता हो रही। बहुत भरोसा करता है मैं तेरे पे और हमेशा करूंगा। बहुत भरोसा करता है मैं तेरे पे। बहुत प्यार करती है ना तू मेरे से, मैं भी तेरे से उतना ही प्यार करता है, बहुत ज्यादा। साहब को मेरे पे इतना भरोसा है और मैं उनसे सच छिपा रही हूँ। किस डर से? मेरे को सब सच बता देना चाहिए आज अभी। मैं आप में दीकू और साहिबा का सच बताना चाहती हूँ। साहिबा की अधूरी कहानी आपने दीकू से सुनी, बाकी की कहानी मैं आपको सुनाएगी। साहिबा दीकू को दरिया किनारे मिली, वो सच है। पंजो साहिबा मिली, उसको अपना पिछला कुछ भी याद नहीं था। मैं इंतजार करेंगे, फिर आएंगे, पूजा करेंगे। सिर्फ एक नाम याद था।
बिल्कुल साहिबा, पागलों की तरह भटकती रहती, कभी मंदिर कभी बस्ती। यादाश का दूसरा सिरा पकड़कर उसके पीछे भागती रहती। साहब, उस बेचारी को टीगू की माई ने अपनाया। बस्ती ने अपनाया, टीगू ने भी अपनाया। साहिबा, फिर टीगू साहिबा दोस्त बन गए। साहिबा और टीगू दोस्त हैं आपसे? हाँ, टीगू अपने अतीत से भाग रहा था और साहिबा उसका तो कोई अतीत था ही नहीं, बेरंग सी बेढंग सी उलझी हुई। तो उन्होंने बहुत कुछ खोया था जिंदगी में, शायद यही बात दोनों को एक दूसरे के करीब ले आई। बन साहिबा फिर भी अपने हिसाब से कभी दूर नहीं गई। आखिर मेरे साथ अब मैं आपको कहीं जाने नहीं देगी, ऐसे रखी कि आपको मेरे गले से लगा के कहीं जाने नहीं देगी। फिर एक दिन सा टीगू की माई की मौत हो गई। टीगू को अचानक बस्ती छोड़कर साहिबा को लेकर भागना पड़ा। किस्मत भी अजीब खेल खेल रही थी। साहिबा वापस आई और उसी परिवार से मिली जो उसका अतीत था। फिर भी उसे कुछ याद नहीं आया। आप कौन हैं? ये माई साहिब है। जैसे अपन की माई थी ना, वैसे ये बाजी की माई। फिर उसके परिवार ने सब कुछ भुलाकर उसकी दीगू के साथ शादी करने का फैसला किया। हम उनके अनाम रिश्ते को नाम देना चाहते हैं। टीगू कैसे ना बोलता, वो तो साहिबा से बहुत प्यार करता था और साहिबा सबको खुश देखकर कैसे ना बोलती। आपने मुझे बेटी माना है, आप माई होने का फर्ज निभा रही है, मैं बेटी होने का निभाऊंगी। शादी के मंडप पर फेरे लेते लेते हर एक फेरे के साथ जब वो टीगू के साथ आगे बढ़ रही थी, पिछली जिंदगी की धुंधली यादें साफ हो रही थी और फेरे पूरे होने से पहले सामने उसका अतीत खड़ा था। नखुशा, उसको सब याद आ गया था साहब, और पीछे पीछे अतीत की सब यादें, उसका अतीत, उसका प्यार, उसका पति उसके सामने था। आप साहब, आप, और उसी पल उसे समझ आ गया कि वो लड़की टीकू की साहिबा नहीं बल्कि अपने सांप की नखुशा है। हाँ साहब, आपकी नखुशा ही टीगू की साहिबा है। Oh,
अपनी हिम्मत करके मैं सच बताई थी आपको। बन किस्मत देखो, आपने कुछ सुना ही नहीं। ये हिम्मत दोबारा मैं कहां से लाएगी? कैसे बताएगी सच दोबारा? बोला था ना मैं, यही बोला था, भाव के मन में ये बात तो आनी थी। फिर क्या बोला भाव ने? नहीं, उनको दीगू पर शक तो नहीं हुआ? नहीं, हाँ उनके मन में ये बात आई जरूर थी, शायद बात दूर तक जाती उससे पहले मैं पहुंच गया। मैंने भाव को समझाया और उन्हें भी लगा कि वो नकू के लिए गलत सोच रहे थे। नहीं, बहुत अच्छा किया तुमने, बहुत बढ़िया। अगर तुम नहीं करते तो गड़बड़ी हो जाती। हाँ जीजा जी, सचमुच भाव को समझाना बहुत जरूरी था, और ये काम आपके अलावा और कौन करता? सुदर्शन, धन्यवाद जो तुमने भाव के मन की बात जानी। मेरे तो दिमाग में ये बात ही नहीं आई, वरना बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता। खैर, अभी हम सबको मिलकर भाव का ख्याल रखते हैं। अरे ये तो तुम्हारा बड़प्पन है किशोर के, तुमने मेरी बात का मान रखा, लेकिन मैं तुम लोग के साथ है। मेरे मन में जो भी रहेगा टाइम टू टाइम मैं बता देगा। खैर चलो, बहुत रात हो गई, शुभ रात्रि। रात्रि। आप क्या कर रहे हैं? सोने जा रहा है मैं अपनी जगह। अरे आप यहीं सो जाइए। कल रात मैं कमरे में आया और सामने मेरी नकु थी, उसके बाद कुछ याद नहीं। नकु का चेहरा कह रहा है कि कुछ ठीक नहीं हुआ, कहीं मैं कुछ गलत तो नहीं बोल गया। मेरी कसम, कल रात को बहुत चढ़ गई थी मुझे, बहुत ज्यादा पी लिया था। मैं आपसे कुछ ही नकु, बोला ना तेरे को कुछ मत बोल, बहुत प्यार करता हूं मैं तेरे से, बहुत ज्यादा। देख, नशे की हालत में मुझे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, और तेरे से अच्छा मुझे कौन समझता है। कल मैंने इतनी शराब पी ली क्यों? क्योंकि दिमाग खराब हो गया था मेरा। चल अब मुस्कुरा दे,
पागल, रो क्यों रही तू? हाँ चलो, रोना बंद कर और जल्दी से मुझे माफ कर दे। साहब आपके माफी मांग रहे हैं, आपने तो कुछ भी नहीं बोला। मैं बोल रही थी तब तक आप सो गए थे, बस इतना प्यार देखकर रोना आ गया। मैं बहुत किस्मत वाली है साहब, बहुत किस्मत वाली। अरे भाव, अब मैं आता हूं। ए बाजी इधर, कह रहे अंदर जाके वापस जा रहे ला। शानो हो गया था। नहीं भाव, वो अपना 9:30 बजे कॉन्ट्रैक्टर के साथ मीटिंग है, उसको नया नक्शा समझाने का है ना, वो जमीन है ना मिल वाला, का बात आगे बढ़ाने का। तो मैं आप दोनों के लिए नाश्ता बनाती हूँ। ना करा भाव के कलेजे में तीर लगा है, वो भी सही निशाने पे। ये तो होना ही था सुदर्शन, शक का बीज ऐसा ही होगा। और फिर दत्ता जैसा इंसान जिसका दिल गीली मिट्टी से बना है, उसके लिए तो बहुत आसान, बीज बोया नहीं कि जड़े उगना शुरू। अब तुम ये देखते जाओ कि ये जड़े कैसे फैल के पक्की होती है। इस खेल में अब पूरा परिवार शामिल, लीला और किशोर अब तुम्हारी मुट्ठी में, जब आपस में भिड़ जाएंगे तब तमाशा देखिए, मजा आएगा ना तुम्हें। अभी कला साथ में तो मजा तो आएंगे। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि तुम्हें जल्दी होश आ गया। ये बताओ देखूं कि अब कैसा फील कर रहे हो? क्या ढूंढ रहे हो? क्या तलाश कर? नर्स? यस डॉक्टर। तुम जाके जो है सारे लोगों को इन्फॉर्म कर दो कि होश आ गया देखो। यस डॉक्टर। ताई अब आप लिक्विड डाइट दे सकती हैं, अगर अरेंज कर दें तो प्लीज। बिल्कुल डॉक्टर साहब। ईश्वर जीजा जी, साहब और बाजी को काम पे जाना है, उनका नाश्ता पहले लगा देते हैं। साहिबा, तेरे दीगू को होश आ गया, अब तू और तेरा दत्ता देखो कैसे दोनों के होश उठे।